हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में प्राइवेट सेक्टर बैंकों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम प्राइवेट सेक्टर के 88 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और पब्लिक सेक्टर बैंक के पार्ट वन पार्ट टू आप यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की गठन 1993 को हुआ था। एक्सिस बैंक की चेयरमैन राकेश मुखीजा हैं और इसके सीईओ और एमडी अमिताभ चौधरी जी हैं। और उसके बाद आता है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक का निर्माण 1930 को हुआ था। नासिर मुंजी इसके चेयरमैन हैं और मुरली एम नटराजन इसके एमडी और सीईओ हैं। इन दोनों बैंकों की हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और आगे आने वाले जो व्हाइट स्लाइड है उसमें सभी के हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो इसलिए हमने इनके हेडक्वार्टर को रिपीट नहीं करा है, आपको समझने के लिए इजी होगा ये, तो इसलिए हमने इस स्लाइड को बनाया है। HDFC बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक की निर्माण 1994 को हुआ था। और इस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, इनका नाम श्यामला गोपीनाथ है और शशिधर जगदीशन इस बैंक के सीईओ हैं। और ICICI बैंक का निर्माण 1994 को हुआ था और इस बैंक की चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं और संदीप बख्शी जी इसके एमडी और सीईओ हैं। ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इन दोनों बैंकों की भी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। HDFC का फुल फॉर्म और ICICI का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। 1994 को इंदुसिंध बैंक का निर्माण हुआ था। सुमंत कथपलिया इसके एमडी और सीईओ हैं और इस बैंक की टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर है, इसको आपको याद रखना है टैगलाइन और सीईओ को। इसकी फॉर्मेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आ जाता है IDFC बैंक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी फर्स्ट बैंक। इसके टैगलाइन जो है ऑलवेज यू फर्स्ट। और इसके निर्माण 2015 को हुआ था और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजीव लाल जी हैं और बी विद्यानाथन इसके एमडी और सीईओ हैं, इनको आपको याद रखना है सीईओ बी विद्यानाथन और राजीव लाल इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। किन के? IDFC बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजीव लाल जी हैं, इनको आपको याद रखना है। RBL बैंक की निर्माण 1994 को हुआ था यानी कि इंदुसिंध बैंक के सेम साल पर। और इसके एमडी और सीईओ विश्वभीर आहूजा हैं। अगस्त 2014 में इसका नाम रत्नाकर बैंक से चेंज कर इसको RBL बैंक कर दिया गया था, इसको आपको याद रखना है। विश्वभीर आहूजा इसके एमडी और सीईओ हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक की फॉर्मेशन 2003 में हुआ था उदय कोटक के द्वारा। और कोटक के चेयरमैन प्रकाश आप्ते जी हैं और इसके एमडी और सीईओ भी उदय कोटक जी हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल ये होता है, इसको आपको याद रखना है। इसकी फॉर्मेशन कोटक बैंक की 2003 में और RBL बैंक की फॉर्मेशन 1994 को हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इन सभी व्हाइट स्लाइड पर जो बैंक हैं इनके हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इन सभी येलोइस जो स्लाइड हैं इनके हेडक्वार्टर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इनको आपको याद रखना है, तो हमने रिपीट नहीं करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटी यूनियन बैंक यानी कि CUB का फॉर्मेशन 1904 को हुआ था। एन कामाकोड़ी इसके एमडी और सीईओ हैं। कुंभकोणम इसके हेडक्वार्टर है और
आर मोहन इसके चेयरमैन हैं, यानी कि सिटी यूनियन बैंक के चेयरमैन आर मोहन हैं और सीईओ एन कामकोड़ी जी हैं। और केबीबी बैंक यानी कि करूर विश्या बैंक, इसका हेडक्वार्टर करूर जिले जो कि तमिलनाडु के करूर जिले में है और इसके चेयरमैन एनएस श्रीनाथ और रमेश बाबू इसके सीईओ और एमडी हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद आता है एलबीबी बैंक, यानी कि इसका फुल फॉर्म लक्ष्मी विलास बैंक है। इसका फॉर्मेशन 1926 को हुआ था। सुब्रमण्यन सुंदर इसके एमडी और सीईओ हैं। कौन? सुब्रमण्यन सुंदर। और इसके मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं टीएमबी बैंक, यानी कि तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक, इसके फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसकी फॉर्मेशन 1921 को हुआ था और इसका मुख्यालय थूथुकुडी जो कि तमिलनाडु के एक ज़िला है यहाँ पर है। और एमडी और सीईओ के भी रामामूर्ति जी हैं, इनको आपको याद रखना है, के भी रामामूर्ति जी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके बाद आ जाता है सीएसबी बैंक और इसके फॉर्मेशन 1920 को हुआ था और इसके जो मुख्यालय केरल राज्य के थ्रिसूर में स्थित है और सीबीआर राजेंद्रन इसके एमडी और सीईओ हैं। कौन? सीबीआर राजेंद्रन इसके सीईओ और एमडी हैं। और इसके बाद आ जाता है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक का फॉर्मेशन 1927 को हुआ था केरला डिस्ट्रिक्ट के और सॉरी केरला राज्य के थ्रिसूर जिले में भी इसका हेडक्वार्टर है और संजीव कृष्णन जी इसके एमडी और सीईओ हैं, इनको आपको याद रखना है। सीएसबी का फुल फॉर्म कैथोलिक सीरियन बैंक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है फेडरल बैंक, यानी कि फेडरल बैंक की फॉर्मेशन 1931 को हुआ था और इसका मुख्यालय अलुवा यानी कि केरला के कोचिक डिस्ट्रिक्ट के अलुवा में स्थित है और श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं। कौन? श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं। इसका फॉर्मेशन 1931 को हुआ था, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आता है एसआईबी बैंक, यानी कि साउथ इंडियन बैंक। और साउथ इंडियन बैंक की फॉर्मेशन यानी कि इसका गठन 1929 को हुआ था थ्रिसूर जिले केरल राज्य के थ्रिसूर जिले में और सलीम गंगाधरन इसके चेयरमैन है और इसके सीईओ और एमडी मुरली रामकृष्णन जी है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है बंधन बैंक और बंधन बैंक की फॉर्मेशन यानी कि इसका गठन 2015 में चंद्रशेखर घोष के द्वारा करा गया था और इसके मुख्यालय पश्चिम बंग की राजधानी कोलकाता में स्थित है और इसके एमडी सीईओ भी चंद्रशेखर घोष जी हैं और इसके चेयरमैन अनूप कुमार सिन्हा जी हैं। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष और फाउंडर भी यही हैं और चेयरमैन अनूप कुमार सिन्हा जी हैं, इनको आपको याद रखना है। और इसके टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई, इसको आपको भी याद रखना है। और उसके बाद आ जाता है जे एंड के बैंक, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसका टैगलाइन सेविंग टू एम्पावर है और इसके एमडी और चेयरमैन आर के छिब्बर हैं। इसका हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में है और इसका फॉर्मेशन 1938 को हुआ था। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आता है नैनीताल बैंक। इसके फॉर्मेशन इसका गठन 1922 को हुआ था। इसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है जो कि उत्तराखंड राज्य की एक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, बहुत रमणीय प्लेस है। और इसका सीईओ और चेयरमैन दिनेश पंत जी हैं, ऋषभ पंत के नाम से आपको ये भी याद हो जाएगा। और नैनीताल बैंक इज ए सब्सिडियरी ऑफ बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ये एक शाखा बैंक है। इसके बाद आ जाता है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के गठन 1926 को हुआ है और ये इसका हेडक्वार्टर
जो कि कर्नाटका की एक फेमस सिटी मंगालोर में स्थित है, और कर्नाटका बैंक की एमडी और सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं, इनको आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय मंगालोर कर्नाटका में, और इसके सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं, इनको आपको याद रखना है। इस 10.5 मिनट के वीडियो में आपके लिए हम टोटल 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक को कवर कर लिए हैं। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।